हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग क्लास सेवन्थ का मैथ का वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं। और ये जो वर्कशीट है ये 26/7/2021 का है। इसमें हमें मैच करना है ज्योमेट्रिकल विजुअलाइजेशन, यहाँ पर दिया गया है। जैसे ये क्या है, एक लाइन है, तो आपको मैच करना है लाइन से। तो हम क्या किया, आपको डायग्राम बना के, आप क्या करोगे, डायग्राम बना के सामने सामने लिख दोगे। ऐसे मान लो, अब इसको कैसे यहाँ पे ऐसे लाइन को मैच करोगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम आपके लिए कर रखे कि कहाँ पे क्या है, सबका एक तरह से नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो फिगर था ये क्या था, ये क्या है तो पॉइंट है। इसके बाद ये क्या है तो लाइन है। ये क्या है बच्चों, दोनों एंड पॉइंट है, यानी कि लाइन सेगमेंट। एक ही एंड पॉइंट है तो क्या है, रे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, देखो ये जो है दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन था, एक दोनों इस तरह से समांतर रेखा है। तो हम ये बोलेंगे इस तरह से डायग्राम बना के क्या लिखोगे, दोनों पैरेलल लाइन। क्या लिखोगे बच्चों, पैरेलल लाइन। उसके बाद क्या था, देखो ये दोनों लाइन आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा था, तो ये क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद जो था, ये दोनों देखो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। क्या लिखोगे बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे क्या था, बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है। तो बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट पर जब आके मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं कनकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कनकरेंट लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या था कि एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स था, एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स था, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा सारा पॉइंट्स, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वर्कशीट में समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ बोल रहा था कि ये चूज डेली लाइफ एग्जाम्पल देख के बताना था कि क्या था। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो ये क्या है, एक रे है, कि क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये तो पता है, कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है नहीं है, इसका फिक्स लेंथ है। तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ये देख रहे थे सभी तार एकदम बिल्कुल बराबर दूरी पे एक दूसरे से, तो ये क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन हो सकता है। क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन। रोड, रोड देखते हो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एक तरह से रोड ख़त्म नहीं हो सकता, तो इसे हम लाइन बोल सकते हैं। कहाँ से चालू हुआ है, कहाँ से ख़त्म हुआ है, हमें नहीं पता है। यहाँ पर क्या था, ये देखो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या था, बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो बहुत सारे लाइन एक ही पॉइंट्स पे आके मिल रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स बोल, ठीक है, एक तरह से, यानी कि कनकरेंट लाइन होगा, सॉरी कनकरेंट लाइन्स होगा, कि बहुत सारे लाइन एक ही जगह पर आके मिलेगा, तो ठीक है, तो कनकरेंट लाइन होगी इस तरह से। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल दे रखा है, सर्कल दे रखा है इस तरह से, और ये सर्कल के मैं यहाँ पे पॉइंट था वो, ये कुछ ये पॉइंट है, एक ओ बी एक लाइन है, ए सी लाइन है, ओ सी है, डी जो है बाहर है, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जो पॉइंट ओ है वो क्या होगा, तो सर्कल का सेंटर होगा, ए ओ बी क्या है तो डायमीटर होगा। देखो हम इस तरह से लिख रखे हैं आंसर, ठीक है, इस तरह से हम आंसर नीचे लिख रखे हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, समझो चीज़ों को, फिर आंसर क्या करना है इस तरह से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या था, ओ पॉइंट, तो ओ में क्या लिख दोगे, सेंटर, की ओ जो है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। ए ओ बी जो है बच्चों वो क्या है, सर्कल का डायमीटर है। देखो ये था हमारा ए ओ बी, ये सर्कल का डायमीटर है। ए सी ये था, ए सी ये था, ठीक है, यहाँ पे आया डायग्राम नहीं दिख रहा, ये ए है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या था, ये ए सी यहाँ पे जो था ये ए है, तो ए सी जो है, ए सी जो है वो क्या होगा, कॉर्ड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड होता है, ठीक है। और ये जो पूरा था ये क्या था, डायमीटर था, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ओ सी, ओ सी देखो क्या है, ये है ओ सी जो है बच्चों वो ये वाला, तो ओ सी जो है वो क्या होगा, रेडियस होगा सर्कल का। फिर ये बोला ए बी इज ए डिवाइडिंग द सर्कल इंटू टू हाफ, ए बी सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देगा, आधा सर्कल का इधर आधा उधर, तो हर एक हाफ को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे बच्चों, सेमी सर्कल। उसके बाद जो यहाँ पे आगे लाइन सेगमेंट लिखा था, हमने लिखे हैं, आप लोग शॉर्ट में आंसर ये लिखना, कि जो ए ओ, ये भी हम बताए ना, ये ए है, तो ये जो ए ओ है वो बराबर होगा ओ बी का, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो हम लिखेंगे ए ओ इक्वल टू बी ओ। यहाँ पे आगे लाइन सेगमेंट लगा था, आप ऐसे भी लिख देना, लाइन सेगमेंट ए ओ इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ओ, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या था, उसके बाद था देखो स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट डी, तो जो डी है वो क्या है, सर्कल का एक्सटीरियर है, बाहर है सर्कल का, बाहर है, क्या है, सर्कल से बाहर था कोई, यहाँ पे पॉइंट डी था, यहाँ पे कोई पॉइंट डी है,
ये सर्कल का बाहर है तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आई होप कि देखो आज का जो वर्कशीट था काफ़ी आसान था और आप लोग काफ़ी चीज़ों को समझे होंगे। आंसर कैसे करना है हम यहाँ पे आपको लिख दिया, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेके आराम से कर सकते हो, समझ सकते हो। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।